चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 17। ठीक, आपको क्या करना है, tan x का डेरिवेटिव निकालना है। बेटा सपोज ये फंक्शन fx है, आपको पता है कि हमने भले tan x बोला है लेकिन एक तरीके से हम इसे फंक्शन fx मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, f dash x लिमिट x टेंड्स टू 0 f x plus x माइनस अपॉन h पवन। यहाँ पे बेटा x plus h है, यहाँ पे भी x plus h रखोगे tan x plus h लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x plus h माइनस अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या मैं 1 अपॉन h को 2 मिनट के लिए भी बाहर ऐसे ही लिखा लेता हूं? ये बताओ tan x plus h को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x plus h अपॉन cos x plus h माइनस sin x अपॉन cos x लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h एलसीएम लो क्या आएगा, cos x plus h से ये गया, cos x का मल्टीप्लाई इसमें होगा cos x sin x plus h sin x plus h cos x sin इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस का माइनस बेटा इससे ये गया, ये cos x plus h का इसमें होगा cos x sin x cos आपको साफ साफ देख के मालूम चल रहा होगा ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान से पढ़ें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है एक्स प्लस एच और बी माइनस बी। ठीक है, यानी समझना है बता देना, कंपैरिजन कर रही थी कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस एच, कोई दिक्कत? चलो अंदर ही x से x कट गया बेटा, क्या बचेगा ऊपर sin h, यहां लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, ऊपर बचा sin h अपॉन और नीचे क्या बचेगा cos x cos x plus h। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है ये sin h अपॉन h अगर मैं बना दूं तो ये तो 1 होता है, इसका फॉर्मूला बताया था। तो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h ये तो मैंने अलग कर लिया, और फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको अलग कर रहा हूं, कर ले रहा हूं बाकी सारे पार्ट को, 1 अपॉन cos x cos x plus h। यहां तक किसी को कोई परेशानी? ये वाला पार्ट तो 1 होता है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 1, ये तो 1 हो गया। बेटा इसमें h की जगह 0 पुट कर दो, h की जगह तो 1 अपॉन cos x, और यहां h की जगह जब 0 पुट करोगे तो ये भी cos x बचेगा इनटू बेटा cos x इनटू cos x कितना cos x स्क्वायर x, और cos x का उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर x, बस यही आंसर है। 12th में डायरेक्ट आपको याद करना है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, कल आपने पूछा था मैंने यही बताया था, sec नोट की सर मैंने से tan वाले फार्मूला से अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले एक प्रोडक्ट रूल देखो, बताया था ना आपको प्रोडक्ट रूल भी होता है और क्वेश्चन रूल भी होता है। देखो बेटा अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे बेटा वो किस फॉर्मूले से कर रहे थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, अभी और करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, बीच में मैं आपको प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको डेरिवेटिव निकालना है बेटा, f डैश x से ही तो डिनोट करते हैं, एक डिनोट और करते हैं तरीके से dy ओवर dx, ये दोनों बराबर होते हैं कैसे भी कर लो। मान लो एक आपको फंक्शन दे रखा है fx is equals to xy, या x जगह हर हर किसी में चल रहा है, चलो x, मान लो आपको ये यहाँ पे क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है xy, बेटा x और y यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल है। ठीक, लेकिन आपको इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में d ओवर dx,
क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखा है मैंने और यहाँ डी ओवर डी एक्स लिखा है, आपको इसका डिफरेंशिएशन ये जो नीचे लिखा होता है ना यहाँ पे, इससे पता चलता है किसके रेस्पेक्ट में करना है, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। किसका बेटा? एक्स वाई। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है सुने, इसे आप मान लीजिए फर्स्ट और इसे मान लीजिए सेकेंड। ठीक, क्या आएगा? फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट। डी ओवर डी एक्स जो बोल रहा हूं उसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? ओके, साइन एक्स प्लस वाई है बेटा, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ऐसे अपने हिसाब से लगा सकते, वो आपने अपने मन से बना लिया है ना, समझ में आया? आगे देखिए, दूसरा होता है बेटा क्वेश्चन टूल, नाम से ही समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का मतलब फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स अपॉन वाई की फॉर्म, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर से बोलूंगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सबको ध्यान रहेगा बेटा, ये दो फॉर्मूले लिख लो, आपको याद करनी है, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। हां चलो कोई बात नहीं, देखो बेटा आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब सुनो मेरी बात, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से मत करो, आप इसमें फॉर्मूला लगाओ कौन सा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है, ठीक है वो वाला, क्यों कंपेयर करो, ये x टू द पावर n ही तो चल रही है। चलो देखो, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d ओवर dx निकालना है, 6x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 55 प्लस x, सही है बेटा? इसका करेंगे, कांस्टेंट का कांस्टेंट रहता है हमेशा, ध्यान रखना। कल शायद अगर मैं बात बताना भूल गया था तो सुन लीजिए, जैसे d ओवर dx है और मान लीजिए आपको निकालना है 2x का, तो बेटा पहले ही 2 तो बाहर आ जाएगा, खाली x का डिफरेंशिएशन होगा जो कि 1 होता है। ठीक है बेटा, x का x की पावर 100 उससे कंपेयर करो x की पावर n, फार्मूला क्या होता है, x n की पावर n माइनस 1, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 100 x टू द पावर 99। अपने दिमाग में इतना बिठा लो, बस एक पावर कम कर देते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ बेटा 55 आ गए, x टू द पावर 54 और x का कितना 1, बस क्या आ गया 600 x टू द पावर 99 माइनस 55 एक्स टू दी पावर 54 प्लस का वन, खत्म हो गया बेटा। एग्जांपल 13, ठीक है लिख लो, नोट कर लो, एग्जांपल 14 के लिए भी जगह नहीं है, मिला लिया तो आपने डबल आप ही किया है। हां ये तो आसान है। हां हां बेटा खुशाब, इसका डेरिवेटिव निकालना है बेटा। अब सुनो, आपको फंक्शन इस यहां से लेके यहां तक दिया है और 1 पे निकालना है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। क्या होटल का ढक्कन खाएगा क्या? बच्चों ऐसी हरकतें कर रहा है। हाँ बेटा, वन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। मैंने बताया था कल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। एक्स का कितना होता है बेटा? एक्स स्क्वायर का बताओ 2x। गलती करेंगे किस फॉर्मूले से? एक्स टू दी पावर एन, एन एक्स टू दी पावर बेटा 3x क्यूब का कितना होगा? स्क्वायर 3 माइनस 1 पावर 2 ही तो बचेगी, एक पावर कम करनी है बस। 4x क्यूब। बस बेटा आगे बढ़ते हैं, 50x टू दी पावर 49। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हमको ये तो डिफरेंशिएशन हो गया एक लाइन में, 12th में भी बस इतना ही करते हैं, लेकिन वो कह रहा है 1 पे x की जगह 1 रख दो बेटा, 1 2 3 क्यों मैं सही कर रहा हूं? हां सही भाई, x की जगह 1 रख रहा हूं तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब सब 1 ही हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई वही रहेगा, तो मैं सही तो कर रहा हूं। बस ऐसे ही आपसे मजे ले रहा था। 1 से लेके 50 तक ऐड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फार्मूला पता है किसी को? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का n into n plus 1 upon 2, दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला, एबीसी है यार। अगर आपको ये याद नहीं है तो परेशान मत हो, अरे हमें तो याद ही नहीं है, अरे लो ना
sum of 50 n upon 2 a plus an first term plus last term ab तो आती है बस तो 25 into कितने होते हैं बेटा ये नहीं बता पाएगा 1275 होते हैं शायद देख लो 5 सर 1275 1275 की सही था सही है देखो बेटा हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है कौन सा रूल लग जाएगा क्वेश्चन रूल तब से प्रोडक्ट लगा रहे थे क्वेश्चन लगाएंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बेटा डिनोमिनेटर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वन न्यूमरेटर और सुनो ऐसा जरूरी नहीं है किताब में आपको ऐसे ही लिख के मिले मैं आपको किताबी वाले में बता देता हूँ कुछ बच्चे किताबी कीड़े होते हैं सर ऐसे तो लिखा नहीं था उसमें बेटा इसके ऊपर डैश भी मिल सकता है आपको ठीक है डिफरेंशिएशन जिसका करते हैं उसके ऊपर डैश लगा देते हैं डी ओवर डी एक्स लिख लो ऐसे लिख लो एक ही बात है ये वन है हाँ बेटा माइनस फिर न्यूमरेटर और फिर किसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर अपॉन में क्या आता है डिनोमिनेटर इस पे समझ आ रहा है एक्स का एक बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स का कितना और वन का जीरो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक कांस्टेंट का जीरो होता है और एक्स का कितना होगा वन अपॉन एक्स वन जार एक्स एक्स प्लस वन वन जार एक्स प्लस वन लेकिन माइनस का वन निकलेगा बताओ क्यों माइनस बन चुका है एक्स से एक्स कट गया क्या आ गया एक्स स्क्वायर खत्म हो गया ये इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए